नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। इसके लिए हमने क्या चाहिए देख लेते हैं। जो कि हमने दूध लिया, दूध को हमने गर्म कर लिया था और इसको रख दिया। ये पूरा दूध ठंडा हो गया तो इसकी बन गई मलाई। ये देखिए, दूध को हमने गरम करा था और दूध लिया था हमने 2 लीटर। 2 लीटर दूध गरम करके और इसको हमने रख दिया। जैसे ठंडा हुआ तो इसके ऊपर पूरी मलाई जम गई। जब मलाई जम गई, 1 से 2 घंटे में मलाई जम जाती है। और अगर आप सुबह से शाम तक छोड़ देते हैं तो आपकी मलाई बहुत अच्छी जम जाएगी फ्रिज के अंदर। आपने सुबह दूध गर्म करा और ठंडा हो गया, आपने फ्रिज में रख दिया तो उसके अंदर बहुत मोटी मलाई निकाल लेते हैं और निकालने की क्रीम, और क्रीम से बनाएंगे मलाई लस्सी। बहुत ही मज़ा आता है उससे खाने में, तो हमारा दूध भी काम आएगा। और इसका हम बनाएंगे दूसरा आइटम, तो आप लोग आप बाद में बताएंगे इससे हम क्या बनाएंगे। जो दूध हमारा बचेगा इससे हम क्या बनाने वाला हूँ वो आपको बताएंगे बाद में। ये देखिए, ये हमने मलाई इसकी इस तरीके से मलाई निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमने मलाई निकाल ली। ये हमने 2 घंटे या 3 घंटे छोड़ा था दूध के लिए गरम करके और इसमें मलाई जम गई। अगर आप इसको अच्छे से गरम करके और फ्रिज में रख देते हैं तो आपकी बहुत अच्छी क्रीम निकलेगी और बहुत अच्छी मोटी मलाई निकलेगी। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको हम बाद में बनाएंगे और इसका आइटम हम बनाएंगे, आप लोग बताएंगे ज़रूर इसका आइटम बनाकर, और बहुत ही बढ़िया आइटम बनाएंगे इससे हम। ये देखिए मलाई, ये मलाई हमने छन्नी में डाल दी और छन्नी में इस तरीके छन्नी में रख दी हमने मलाई निकाल के। और ये हमारी मलाई है 2 लीटर की, और देखिए ये निकल रही क्रीम, क्रीम है। और इसको हम थोड़ा सा और फेंट लेते हैं और इसको इस तरीके से फेंट देंगे हम। ये देखिए, पूरा मक्खन की तरह फेंट देंगे और इससे हम बनाएंगे मलाई लस्सी। और बहुत ही मज़ा आता मलाई लस्सी पीने में। आप लोग देखिए, इसको पूरा फेंटेंगे, अभी देखना आप, पूरा ड्राई हो जाएगा, ये बटर पूरा अलग हो जाएगा, घी जैसे बोलते हैं ना, घी बटर वो। और ये देखिए पूरा इसके अंदर आ गया। ये नीचे गिर रहा है जैसे हम फेंट रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये निकल गया बटर, बटर निकल गया। अब इससे हम बनाएंगे दूसरा आइटम और आप लोगों को दिखाते, वो बहुत बेहतरीन चीज़ बताएंगे इससे, बहुत ही बढ़िया मज़ा आ जाएगा। और इससे आप लोगों को दिखाएंगे हम दूसरा आइटम। चलिए, तो ये इसको हम फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर। आधा घंटे हमने फ्रीजर में रख दिया था और आधा घंटे के बाद में मलाई हमने निकाल ली। इसके नीचे थोड़ी सी आप चाहो तो आइस भी लगा सकते हो, और ना तो नहीं लगाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से हम इसको ठंडा ज़रूर कर लेना है। इसमें हम शक्कर डालेंगे, शक्कर जो डालेंगे इसमें करी हम डाल देंगे। चार टेबल स्पून शक्कर डाल देंगे। ये देखिए, और हमने फाइन शुगर ली है, आप चाहो तो शक्कर भी डाल सकते हैं, चाहो तो आप फाइन शुगर भी डाल सकते हैं। आइसिंग शुगर बोलते हैं जिसको, पिसी हुई शक्कर, आइसिंग शुगर। और ये देखिए इस तरीके से इसको हम फेंट लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फिट रहा है। और ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फेंटना है इसके लिए 5-7 मिनट। अगर नहीं फेंटना है तो कोई बात नहीं। और ये देखिए इस तरीके से हमने फेंट लिया, और थोड़ा तो फेंटना पड़ेगा जब ये उसकी थोड़ी ऊपर उठेगी ये क्रीम, और ये क्रीम हमारी इस तरीके से उठ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से क्रीम बन जाएगी। इसमें हमने दही डाल दिया, जो हमने हमारी क्रीम थी उससे हमने डबल दही डाला है। क्रीम जो हमारी फिट के हो गई थी करीब 100-150 ग्राम, तो दही हमने डाल दिया इसमें 400 ग्राम। 400 ग्राम दही मिलाया और ये थोड़ी शक्कर और डालेंगे। ये आप लोग बताते, 4 चम्मच शक्कर डालेंगे। तो पहले हमने 2 डाली थी क्रीम में और 2 ये डाल दी, और इसको अब फेंट लेते हैं। ये देखिए मलाई लस्सी, वो काफ़ी मज़ा आएगा पीने में। देखिए कितनी प्यारी देखने लग गई हमारी लस्सी, और एकदम ठीक खाने में बहुत मज़ा आता है इसके लिए।
अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा दूध पाउडर। आप चाहो तो बिस्कुट से भी फेंट सकते हो, तो आप जिससे चाहें उससे फेंट लें, हमने इससे फेंटा है, ऐसे ज़रूरी नहीं इसमें, लेकिन क्रीम फेंटने में थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगी। बाकी ये हमने दूध मसाला 1 चम्मच, छोटी चम्मच से 1 चम्मच हमने दूध मसाला, इसके अंदर केसर इलायची पाउडर सब कुछ होता है, और ये हमने फेंट ली। ये हमारी लस्सी रेडी, मलाई लस्सी। अब इसको हमें ठंडा करके फ्रिज में रख देना ठंडा होने के लिए, उसके बाद सर्व करना है। तो अच्छे से ठंडा हो जाएगा, चिल्ड, जब खाने में इसको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, ये हमारी लस्सी रेडी, वाव। और फिर इसको चम्मच से काट के खाओगे, कितना मज़ा आएगा। मलाई लस्सी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं मलाई लस्सी। ये देखिए, हमने पिस्ता डाला और ये हमारी मलाई लस्सी रेडी। तो इस तरीके से आप लोग मलाई लस्सी, हमारी रेसिपी अगर आप लोग अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आप लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और इसमें हमने जो कि मटका कुल्फी डाली है, वो कुल्फी आप लोग जाके चेक करिएगा। एक कुल्फी को आप मटका कुल्फी को 2 घंटे में बना कर खा सकते।